coming? अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुए। जिंदगी में कभी तो सीरियस हुआ करो। जाओ जाओ मुझे सोने दो। हाँ मुझे सब पता है। ओहो तो कल यहाँ पार्टी चल रही थी क्या शाम? तुम मुझसे हमेशा झूठ क्यों कहते हो? वैसे ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है। अगर ये गवा दिया तो कुछ नहीं हो सकता। चुप देखो सोते रहते हो तुम। चलो उठो कभी नहीं सुधरोगे तुम। एक बात बताओ रुचि। क्या बात है? तुम हमेशा यहाँ मुझे सताने के लिए आती हो। शाम चकर तैयार हो जाओ। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो इससे प्यार कर बैठी। एक टॉवल मिल जाए तो जल्दी से नहा लूं। सुनो नाश्ते में सैंडविच बनाऊं? हाँ बना दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शाम। Why you behaving like this? तुम ऐसे हो मुझे पता नहीं था। ओ, लोग तुम्हारे बारे में सही ही कहते हैं। कितनी बार इसे समझा चुकी हूँ पर ये समझता ही नहीं। इसके दोस्त भी ऐसे हैं जिन्हें जिंदगी में कुछ करना ही नहीं। इसे उन अवराओं के भरोसे तो छोड़ नहीं सकती। आउच! क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? ये सारे काम संभल कर नहीं कर सकती क्या? उंगली सीधी करो। तुम आदमी होते ही मतलब ही हो। जरूरत पड़ने पर भी आ जाताते हो। हमेशा अपनी ही सोचते हो बस। ओह, उंगली तुम्हारी कटी और दुनिया के हर मर्द पर उंगली उठा रही हो। सारे मर्दों पर नहीं सिर्फ तुम पर उंगली उठा रही हूँ। इस बार अगर पास नहीं हुए ना तो 6 महीने रुकना होगा। मेरी जान पूरी तैयारी कर चुका हूँ। झूठ मत बोलो शाम। तुमने मार्शल यूटिलिटी के लिए पढ़ाई की थी ना? उसके सारे क्वेश्चन कितने हार्ड हैं। अगर एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा करोगी? नहीं बोलो। अगर सुनोगी ना तो बोर हो जाओगी। शाम मैं बोर हूँ या नहीं ये मुद्दा नहीं है। तुम पास होते हो या नहीं ये मायने रखता है। आई टोल्ड यू आई विल पास। ओहो इस तरह सोते रहोगे तो पास हो जाओगे? मुझसे जुबान मत लड़ाओ गुस्सा आता है मुझे। छोड़ो जाने दो। ये टी-शर्ट क्यों पहनी? दूसरा कुछ नहीं है ना। हाँ ये टी-शर्ट मैं पहनती हूँ। आहा सुपर्ब सिलेक्शन। कभी ड्राई क्लीन में डालती हो या नहीं? ओ बहाने मत बनाओ। तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाऊं? हाउ कन्वीनियंट। बकवास बंद करो। आज की लड़कियां सबके सामने सिगरेट भी पीती हैं तो ठीक ही करती हैं। चाहो तो तुम भी पी लो। जाओ जाओ हर बात में मजाक सोचता है।
पुराने जमाने की तरह जब देखो एडवाइस देती रहती है। अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता श्याम, अब जल्दी से दुबई जाना होगा मुझे। यहाँ क्या तकलीफ है? तुम एक लड़के हो ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम दोनों यहाँ साथ रहते हुए अगर कुछ ना भी करेंगे तो भी आसपास के लोग हम पर उंगली उठाएंगे। छे, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? ऐसे कैसे नहीं सोचूं? पता है कितने ताने मारते हैं। वैसे लोग अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते? हमारे मामले में दखल देने की क्या जरूरत है? बस एक महीना और, उसके बाद इन सबसे छुटकारा। हाय बेबी। हेलो। बाय बाय बाय। अच्छा डिजाइन है, तुम पर सूट कर रहा है। मुंह बंद करो। क्या अंकल, देखकर थूकना चाहिए ना। सॉरी डार्लिंग। सॉरी डार्लिंग, तुझे को जवानी चल रही है। अरे ये बातें तुम कैसे जानती हो? चलो अब चलते हैं। एक काम करो, तुम जाओ, मैं ऊपर जाकर चेंज कर लेती हूँ। पकड़ो फ्लैट की चाबी। ओ वाह, पोएट्री लिखता है, मानना पड़ेगा। इसमें कुछ फॉल्ट है क्या? देखो तो। ओके। हाँ जी। मुझे एक सॉन्ग डेडिकेट करना है, लड़की का नाम है श्रुति, कर देंगे ना? ओके बाय। सुनिए बीकॉम श्रुति के लिए राज का डेडिकेटेड किया हुआ सॉन्ग। श्याम अभी आया नहीं क्या? उसकी बाइक नहीं दिख रही? कल रात पार्टी में जमकर पी थी, नशा उतरा। उसके बारे में ऐसा मत बोल यार, उसी की वजह से हम 3 साल से फोकट में खा पी रहे हैं, समझा तू? हाँ। ए कालिया, अरे वो देख तेरी हीरोइन आ रही है। ओ सुनो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? शक्ल देखिए। कहीं वो किसी और को तो पसंद नहीं करती है? मेरा मतलब किसी को भी पसंद नहीं करती है। अगर कोई आशिक गाना डेडिकेट करना चाहे तो वो आके यहाँ कर सकता है। कल फेसबुक पे मैंने 2 लोगों को मैसेज भेजा था, अब तक रिप्लाई नहीं किया। अरे चुपचाप निकल जा यहाँ से, नहीं तो बहुत मार खाएगा। हे भगवान, आज तक मैंने वो दोनों चेहरे देखे नहीं, आज से मैं उन दोनों को ही फॉलो करूंगा। कालिया पानी लाऊं क्या? पानी किस लिए? ना लेना, बहुत बदबू कर रहा है। इसने तो मेरी बेइज्जती कर दी यार। आजा श्याम आजा। तू तो बहुत किस्मत वाला है यार, इस उम्र में भी कॉलेज का मजा। लूट भाई लूट। अरे बेल बज गई, ठीक है चलता हूँ। चल भाई। श्याम तूने कॉस्ट्यूम तो ले ली ना? कल सुबह के पिक करूंगा, चलेगा ना? हाँ ठीक है ठीक है, ले लूंगा।
आज अपनी टीचर दिखाई नहीं दे रही है। हाँ? हाँ। ये लो। भगवान। अब भगवान से प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं सर, है। सर और भगवान एक ही होते हैं, ये आप ही ने सिखाया था सर। कॉलेज से जब बाहर जाओगे ना तब पता चलेगा जिम्मेदारी क्या होती है। इस वक्त प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं, ईमानदारी से पेपर लिखो। साल भर खाली आते रहे जाते रहे, पढ़ाई कुछ किया नहीं, अब भगवान को याद कर रहे। सर मैं कमी। अरे वाह वाह महोदय, कम से कम एग्जाम के टाइम पर तो वक्त पर आ जाते। आइए आइए आ जाइए सर। हा? आप अपना हॉल टिकट मुझे दिखाएंगे? चलो है तो कम से कम। सर सर अपना बैग जरा बाहर रखेंगे। आई एम सो सॉरी सर। ये क्या है सर? ये शाम की हॉल टिकट है। एक्चुअली ये उसकी फॉल्ट नहीं है सर, ये मेरी बुक के अंदर थी। सर प्लीज सर से परमिशन दे दीजिए, ये इसका लास्ट चांस है सर। परमिशन तो हम दे देंगे, लेकिन ये बताओ पिछले साल का हॉल टिकट इस साल तुम्हारी बुक में कैसे आ गया? तो फिर ये एग्जाम दे सकता है ना? हाँ। जल्दबाजी में मैंने डेट नहीं देखी। सर सर आप जाकर एग्जाम दीजिए, लीजिए। वो देखो वो है मेरी ऐश्वर्या। अबे अभिषेक सुनेगा तो तेरी बैंड बजाएगा। लड़की के बॉयफ्रेंड से कैसे बचना है मैं सिखाऊंगा। देखो लड़की पटाने के लिए खाली सुंदर चेहरा ही नहीं, अच्छी बॉडी भी होनी चाहिए। बॉडी मतलब? हाँ बॉडी का मतलब है मेरा चेहरा, दिखाता हूँ। ए रास्ता छोड़। तुम लोग देख लेना, एक ना एक दिन ये लड़की मुझसे जरूर पटेगी। आज भले इसने मुझे मारा है, ये भी मेरा चैलेंज है। हाँ। अबे पटी नहीं तेरी फटी। बाप रे। कितने भी बेइज्जती हो तू नहीं सुधरेगा। चल राहुल के घर चलते हैं। हाँ, गुड आइडिया। चलो एक काम करते हैं, चलकर एक खंबा पीते हैं। चल, हम लोग को नहीं जाना है, तुम्हें जाना तो जाओ। चल चल। बहुत जोर से मारा यार। मैं चलती हूँ राहुल। इतनी क्या जल्दी है जाने की? मैं ये बोलकर आई थी कि मुझे ट्रेन की टिकट लेनी है, और फिर कितनी देर से फोन भी तो आ रहा है ना। अरे उन लोगों का तो काम ही है फोन करना, तुम जरा इधर आओ ना। देखा वो फिर से फोन कर रहे हैं। ओफो, ये नीतू पता नहीं कहाँ चली गई है। हाय हाय हाय, तुम्हारा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? अरे क्या बताऊं, शाम हॉल टिकट भूल गया था, उसे देने के लिए गई तो प्रोफेसर की डांट सुननी पड़ी। देख वो लड़का कुछ ठीक नहीं है, उसका दोस्त मेरी फ्रेंड को फेसबुक पे पोक करता है। उसके दोस्त ऐसे हैं तो वो भी तो ऐसा ही होगा। लेकिन वो ऐसा है नहीं। चल छोड़ जाने दे, पापा कैसे हैं? He's okay. कल सुबह एंजियोप्लास्टी करना है, मैं हॉस्पिटल जाकर आती हूँ। See you. Okay, bye bye. अब मैं चलूँ राहुल, बहुत लेट हो गया है। ये देखो मैसेज पे मैसेज आ रहा है, मैं चलती हूँ। हाँ बाय राहुल। बाय। ये बहुत जोर से सुसु आ रही है, मैं थोड़ा सा हल्का होकर आता हूँ। अरे जल्दी आ। अरे राहुल वो कालिया गैंग आ गया है। अरे वो आवारा लोग यहाँ कैसे आ गए? तुम एक काम करो बैक डोर से निकल जाओ, उनके सामने दिखना बस। अरे राहुल दरवाजा खोल। कौन? अरे चुपचाप हटे यहाँ से, शाम का ड्रेस लेने आए हम। तो उसके लिए तुम लोग दारू लेके यहाँ आओगे क्या? मुझे फोन कर देते मैं आ जाता ना। ओह
हल्का हो गया। ठीक है, आज के बाद नहीं करूंगा, लेकिन आज तो करने दो। इसे बदल देता हूं। आप ठीक है, अब इसे शूट करता हूं। मैं भी कमाल हूँ ना, इस साल का शॉर्ट फिल्म का अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा। अब मुझे जल्दी बड़ी फिल्म भी बना ही लेनी चाहिए। ये क्या, सिर्फ बैग पड़ा है, आदमी कहाँ है? इसे जूम करके देखता हूँ। जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, पैन। यहाँ तो आदमी नहीं, साक्षात कन्या है। नो। अब आएगा मजा, मैं तुम्हें शूटिंग करके दिखाता हूँ। देखो देखो देखो, शूट करो शूट करो। और ताकत लगा के ऊपर आओ, आओ आओ धीरे से। अरे मैं शूट कर रहा हूँ, आराम से आराम से। बहुत बढ़िया, मेरे सामने वाली दीवार पर एक चांद का टुकड़ा लटक रहा है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा आ रहा है, अच्छा शूट हो रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया। भैया प्लीज, भैया मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये बात ना किसी को मत बताना। कैश, मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ। तुम्हारा मतलब है कि शिव जी का मंदिर है, सुबह सुबह दर्शन तो मिल ही जाएंगे, है ना? भैया तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें और दूंगी। क्या? पैसे दोगी? ठीक है, जरा मुझे सोचने दो। हाँ। लेकिन मनी मेरे लिए प्रॉब्लम है, तुम जानती हो। मैं हाँ। जब भी फोन करूंगा पैसे ला कर देना। ओके ओके। एक बात और, जब भी मैं मिस्ड कॉल करूं तो उसका रिस्पांस देना होगा। अब जाओ अब जाओ यहां से। ऑटो, ओह क्या जमाना आ गया है, लड़कियां मुझे खुद आगे बढ़कर पैसे दे रही है, और मेरा बाप एक नंबर का कंजूस है, एक नंबर का भिखारी है। राहुल राहुल मैंने भी दर्शन कर लिया, आशीर्वाद दो। अरे इस कालिया को क्या हुआ? देखो इसे कभी भी गलत मत समझना, ये बहुत ही सज्जन आदमी है, सज्जन। तू पेशाब करने गया था, दौरा पड़ गया क्या? तुझे कुछ नहीं पता, तू चुप कर, ये एक दिन बहुत बड़ा बाबा बनेगा, अखबार से लेके टीवी तक इसका ही प्रचंड दिखेगा, देख लेना। प्रचंड नहीं बे, प्रवचन। शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो यार। जरा एक पैक पिलाना, पता नहीं खुशी में पी रहा हूँ या फिर दुख में पी रहा हूँ। अरे एक और पिला। हेलो पापा। हाय। लगता है कोई खास बात है। हाउ यू फीलिंग पापा? बात क्या है, तेरी प्रॉब्लम क्या है बेटा? डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद थोड़ा थोड़ा दर्द तो रहेगा पापा। अच्छा मैं आपके लिए सैंडविच लाई हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बता बात क्या है? कोई बात तो जरूर है। अब ये एंजियोग्राफी इतना बड़ा ऑपरेशन तो है नहीं, ये तुम भी जानती हो, तो इसमें टेंशन की क्या बात है? हाँ? वो बात नहीं है पापा। समथिंग एल्स। मतलब देयर इज समथिंग। बोलो बेटी बात क्या है? पापा आई थिंक आई वॉन्ट टू ब्रेक अप विद श्याम, वो लाइफ को लेकर सीरियस ही नहीं है। डोंट बी सिली, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो बेटी, और प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह हैंडल करती हो। सुनो बेटी, प्यार में फाइट नहीं किया जाता। नो पापा, इट्स नॉट अ फाइट,
मुझसे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसा तुम कब से सोचने लगी? वो पूरी तरह से चेंज हो गया है पापा। उसका एटीट्यूड, हैबिट्स, हर वक्त दोस्तों के साथ शराब पीता रहता है। मैं उसे सुधारने की कोशिश भी करती हूँ तो गुस्सा हो जाता है। एंड इवन इफ आई डू समथिंग फॉर हिम, उसे गलत समझकर मुझसे बहस करता है। ये सब सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, सभी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। तेरी माँ भी ऐसी ही थी। मेरा मतलब वो नहीं है पापा। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं ना मैं मैच्योर हूँ। Yes, I mean that. देखो तुम्हें उसे समझाना होगा। मैंने कहा ना पापा, मैंने कई बार समझाया उसे, कॉलेज में हर कोई उसके बारे में यही कहता है, सब बातें बना रहे हैं, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हो सकता है वो मजाक कर रहा हो। पर मुझे टेंशन होती है, पता है अगर आज सुबह उसे नहीं उठाती तो वो एग्जाम मिस कर देता। मैं तंग आ चुकी हूँ पापा, वो कब रिस्पॉन्सिबल बनेगा? कितना समझाऊं उसे, I'm giving up. जल्दबाजी में फैसला करना अच्छी बात नहीं होती। नहीं पापा, you know why I'm so sad? क्यों हो? आपका कल एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन होने वाला है और उसे जरा भी फिक्र नहीं है। एक फोन करके आपका हाल तो पूछ सकता था ना। किसने कहा? उसने तो सुबह ही मुझे फोन किया था। क्या, कब किया? सुबह से तो मैं उसके साथ थी पापा। सुबह किया था उसने? देख बेटी, मुझे तो लगता है तुझे धीरज से काम लेना चाहिए। इस दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें खुद ही सुलझाना पड़ता है। जिंदगी में एडजस्टमेंट तो रखना ही पड़ता है। मैं कितना एडजस्ट करूं पापा? बेटी तू मेरी बात को अच्छी तरह नहीं समझ रही। इस तरह के भेदभाव हर रिलेशनशिप में आते हैं और इनका यह मतलब तो नहीं है कि तुम्हारे बीच प्यार कम हो गया। ये तो मरते दम तक चलते रहते हैं। बस तुम्हें उसे प्यार से समझाकर अपने रास्ते पर लाना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ गई पापा? शाम ने सचमुच आपको फोन किया था? बेटी तो सवाल बहुत करती है, अब तू पहले जैसी बच्ची नहीं रही। जाओ उससे मिल लो। मैं जाकर आती हूँ। ओके, हैव अ फन। ओके। सुनो, I'm really very sorry about the morning incident. ठीक है। सच में तुम हॉल टिकट भूल गए थे ना? नहीं, मैं भूला तो नहीं था। तुमने ड्रिंक ली थी ना? अरे लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे? बिना ड्रिंक लिए एंजॉय नहीं कर सकते क्या? तुम में ये टैलेंट भर भर के है। कैसा टैलेंट? बात बात पर मुझे सुनाने का टैलेंट। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती हूँ ना? तुम अपना मुंह बंद करो जब देखो एडवाइस देती रहती हो। ठीक है, मैं चलूं? शाम, we need to talk. But what? Something serious. ठीक है, 3 o'clock, coffee day, okay? तुम आकर मुझे पिकअप नहीं कर सकते? तुम्हारे लिए तो पास में ही है ना, 20 रुपए लगेंगे ऑटो के, वहीं आ जाओ, मैं वहीं रहूंगा। सुनो, मुझे तुम्हारी बाइक में बैठने का कोई शौक नहीं है, मैं ऑटो से भी आ सकती हूँ। क्यों ऐसा कह रही हो? क्या कह रही हूँ? हमेशा बहस करती रहती हो। बहस करने का कोई फायदा भी है? ठीक है, मैं आता हूँ 3 o'clock, okay? 3 o'clock, okay? क्या करें भगवान, एक ही लड़की काफी है जान निकालने के लिए। ओ मेरी माँ। हे भगवान, 4,442 रुपए। कन्या राशि वालों को इस सप्ताह संभल कर रहना है, गाड़ी में सफर करने वालों का एक्सीडेंट हो सकता है। कन्या राशि वाले जो भी करें वो बहुत सोच समझ कर करें। सिंह राशि वालों को इस सप्ताह प्यार मिलेगा लेकिन धन हानि होगा, चैन नहीं मिलेगा, तेल में तला हुआ खाना जहर भी हो सकता है, इसीलिए बाहर का खाना खाने से पहले।
लाइट जाने की वजह से ट्रिम करना भी रह गया। That's a nice tune. Thank you. ये tune original है? हाँ बे, compose ही कर रहा हूँ। मेरा भी एक दोस्त है। क्या नाम है? विद्वान। हम लोग मिलकर एक फिल्म के लिए गाना लिख रहे हैं। Melody है क्या? नहीं, वो एक 80s है। आजकल यही style है क्या? हे, नहीं नहीं, उस फिल्म का director पागल है, वरना ऐसा गाना हमें बनाने के लिए बोलेगा? बदनसीबी है हमारी। तुम लोगों ने लव सॉन्ग कंपोज नहीं किया है क्या? ये सब आजकल कौन सुनता है? सर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? है ना, लेकिन गर्लफ्रेंड जैसी नहीं, घर वालों की पसंद से मिली है, सो कांट हेल्प इट। उसको कभी गा के सुनाया है क्या? नहीं सर। मैंने ब्लैक कॉफी। ओके श्याम, तुम रोमांटिक नहीं हो, है ना? आजकल वो वर्कआउट नहीं होता, लड़कियों को तो रफ एंड टफ पसंद है। मैं कुछ समझा नहीं। आई मीन, उन्हें बुरी तरह से ट्रीट करना चाहिए, उनसे गुलामी करवानी चाहिए और पजेसिव रहना चाहिए। कहा जाए तो पक्का जेंट्स की तरह रहना है। श्याम भी ऐसा ही है क्या? हाँ तो और क्या, मैं तो इसी तरह का हूँ, इसलिए तो मेरे पीछे पड़ी है। लेकिन लॉन्ग लाइफ के लिए ये वर्कआउट नहीं होगा? हमारे बारे में पूछ रहे हो? हाँ डूड, She can't leave me. कल वो मर जाएगी तो तुम क्या करोगे? Dude! अगर वो सच में मरने वाली हो और तुम्हें पता चल जाए तो तुम उसके लिए क्या करना चाहोगे? ओहो, पता नहीं मैंने बात क्यों बढ़ा दी, हमारी जिंदगी हम कैसे भी जी लेंगे। What will you do, Shyam? Excuse me, I have some work to do. Nice talking to you. लाइफ में कब क्या होगा कोई भी नहीं जानता। श्याम, तुमने जवाब नहीं दिया। कुछ भी करूंगा, नाउ में आए, हम फिर से मिलेंगे, है ना? आई न्यू इट। ओह हाय, तुमने कहा था ना मुझे पिकअप करोगे। मैं भूल गया था, उसमें इतना गुस्सा क्यों हो रही है? क्या हुआ? Shyam, we need to talk. पिछले 10 साल से हम टॉक ही तो कर रहे हैं, अब क्या बचा है? मैं तुमसे सीरियसली बात करना चाहती हूँ, तुम क्या इतने बिजी हो गए हो? मैं कल का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा था। प्रोग्राम? कल हम दोनों ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, बस वही। ट्रैकिंग? कैसी ट्रैकिंग? क्यों, तुम नहीं आ रही हो? तुमने मेरे पापा से बात की? क्या तुमने पापा से बात की या नहीं? नहीं की, क्यों? श्याम, मैं थक चुकी हूं। क्यों ऐसा कह रही हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। शिट, अरे अब ऐसा क्या हो गया? अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हें? रुचि, बी क्लियर प्लीज। आई एम गोइंग, सी यू। छे, खुलकर बता कर तो जाओ। तुम्हें हमेशा मजाक क्यों सोचता है? तुम कल का दिन कैसे भूल सकते हो? अरे क्या है कल? कल हमारा बर्थडे है क्या? या हमारी एनिवर्सरी है? ओ गॉड, हटो शाम। And for God's sake, please stay away from me. ऐसी बात है, तो जाओ। I really hate this girl.
हेलो। हाँ, अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे बार में है यार। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो। कीप द चेंज। आपको अगले दिन टिप देता हूं, ठीक है? डरने की कोई बात नहीं बेटी, छोटा सा माइल्ड अटैक है, एक माइनर ऑपरेशन करना होगा। ओह गॉड, नथिंग टू वरी बेटा। अब और ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे जानने वालों में से किसी का ब्लड एबी पॉजिटिव है? मेरे फ्रेंड्स का है और शाम भी एबी पॉजिटिव है। गुड, उन्हें बुला लो। घबराओ मत बेटी, मैं हूं ना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर मेरी शादी उससे हो जाएगी तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। अपना दोस्त आ गया। चल यार तू भी शुरू कर, हम पहले से टाइट हैं। अरे ये तो हमेशा सपने ही में जीता है। छोड़ यार, मैं पहले से परेशान हूँ। क्या परेशानी भाई? वो क्या है ना, रुचि और मेरे बीच झगड़ा हो गया। ये कौन सी नई बात है, ये तो तेरे लिए रोज का है। उसी का फोन है क्या? साइलेंट पे डाल दिया। ये देख क्या, लड़कियों को ज्यादा आजादी कभी देनी ही नहीं चाहिए। सही कहा ना? वो अच्छी लड़की है। अच्छी हो या खराब, लड़की लड़की होती है। हाँ, आजकल उसे कोई बीमारी लग गई है, बात बात पर कहती है कि तू कुछ भूल गया क्या। देख लड़के की बात छोड़ यार, तू दो पैक मार पहले। अंदर जाते ही जितना याद है सब भूल जाएगा, और जो भूला है वो याद आ जाएगा। मार। अरे यार आज लास्ट डे है ना, दो पैक मार ले। नो सेंटीमेंट। अबे बेवकूफ, चुप करो यार, एक पैक तो मारना, प्लीज मारना यार। ओके ओके, चीयर्स। हेलो वेटर, इधर आओ, इधर आओ, आओ। अरे यार 20 मिस्ड कॉल। रुचि, ए सुन, उसे फोन मत करना वरना पूरी पार्टी खराब हो जाएगी। अरे यार फोन करना उसे। ए तू चुप कर बेवकूफ। हाँ? लड़की होगी, साइकोलॉजी क्या है मुझे पता है भाई, वो तो हमने सुबह ही देख लिया था। देखो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, लड़कियों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। नहीं तू ही बता ना। ये सारी लड़कियां इंद्र की सभा में काम करती थी। वहाँ पर इन लोगों का काम क्या था पता है? वहाँ पर कपड़ों की धुलाई करना और साफ सफाई करना। और धरती में आने के बाद उनका क्या काम है पता है? क्या? अबे वही कपड़े कपड़े धोना है। अरे जा रहे। इसे ध्यान से देखो, 3,000 रुपए। इतना पैसा कभी तुमने मेरे पास देखा है क्या? वेटर बिल कितना हुआ? 850। ये 1,000 रुपए, बाकी तुम रख लो। कमाल हो गया। चलो, तुमने कभी सोचा था मैं ऐसी शानदार पार्टी दूंगा है? क्या रे कालिया, कोई नया धंधा शुरू किया क्या? धंधा नहीं, बिजनेस शुरू किया। बिजनेस आज 1,000 खर्च कर रहा हूँ, कल देखना 10,000 खर्च करूंगा। चलो आज के लिए बहुत हुआ। चलो ठीक है यार, चलो। ये सब क्या चल रहा है, सर्कस से आ रहे हो क्या? सर कॉलेज में फंक्शन था, वही अटेंड करके लौट रहे हैं सर। ये कौन है, डेड बॉडी है क्या? अबे डंडा हटा। सर हमें जाने दीजिए सर, उसको जरूरी काम। जरूरी काम? हाँ हाँ सर, जरूरी काम। अच्छा अच्छा,
लाइसेंस दिखाओ जरा। लाइसेंस है सर? ऐसा है। जाओ जाओ जाओ। कांस्टेबल, लगता है मैंने तुझे पहले कहीं देखा यार। क्या देखा? लगता है तुमने बहुत शराब पी है। हाँ याद आया, शूटिंग में आप एक्टिंग करते हो या ना? सही कहा, लेकिन कोई काम देता नहीं। अरे बिल्कुल सही यार, मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ लेकिन कोई चांस देता ही नहीं यार। अरे वाह। आया हो शिकाने? रियल पुलिस? प्लीज सर, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। अरेस्ट करना है क्या? हाँ। चल बैठ जा जीप में। चलो, चलो जीप में बैठो। अभी आगे कहाँ जा रहा है? पीछे बैठ। चलो। पीछे बैठने की हालत नहीं है सर, आगे बैठ जाता हूँ। धुलाई मारूंगा, मत बैठना। बैठाओ सबको, थाने में धुलाई होगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो ले चलो सबको। हेलो हेलो, गेस व्हाट, हमें पुलिस ने पकड़ लिया है। अच्छा हुआ। अरे यार, मुझे अंकल से बात करनी है। जान पूछ कर नहीं दे रही है। अरे यार, कहाँ है तू? रुचि कब से तेरा फोन ट्राई कर रही थी। उसकी बात छोड़, सुन, तू पुलिस में किसी को जानता है क्या? यार रुचि की डैडी बहुत सीरियस है, वो ऑपरेशन थिएटर में है। व्हाट? हाँ यार, मैं और रुचि तुम्हें कितनी बार ट्राई किए। गॉड, लेकिन ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर ने बताया कि माइल्ड अटैक है। श्याम, आई थिंक ही इज वेरी क्रिटिकल। ओके, तू अभी कहाँ है? मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, तू भी जल्दी से आ जा। ओके ओके। हाँ, इसका भी बी पॉजिटिव है। मैं हूँ, वरुण है, और भी दोस्त आने वाले हैं। श्याम अभी तक नहीं आया, तुमने उसे बुलाया नहीं क्या? उसके बारे में बात मत करो। व्हाट हैपेंड? बेकार की बातें छोड़ो, वो खुद भी नहीं जानता था। मैंने फोन किया तो उसे पता चला। वो अभी आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। ये स्नेहा और मैं ब्लड देकर के आते हैं, तुम लोग यहीं पे रुको। राहुल, थैंक यू सो मच। अरे चुप रहो, ऐसे क्यों कह रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, ये लोग यहीं पर रुकेंगे। ठीक है चलो। सुन, तेरे और शाम के बीच में क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों ने जो सुबह कहा था वो सही था, फिर बदल गया है। ए, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। वो आ गया। सुनो, सॉरी कहकर कुछ नहीं होगा, जानता हूँ। तुम जानते हो ना, सो डोंट इवन ट्राई। रुचि मेरी बात सुनो। श्याम, प्लीज डोंट टच मी। सुनो प्लीज, काम डाउन, ये सब मुझे पहले से नहीं पता था। मैंने कितनी बार फोन किया तुम्हें? अरे मैं कालिया के साथ बार में था, फोन की रिंग सुनाई नहीं दी। लिसन, कैन आई हैव पीस ऑफ माइंड? तुम जो ये एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, तुम इसके लायक नहीं हो, एंड एडमिट इट। You're irresponsible and very juvenile. रुचि, मैं सच कह रहा हूँ, फोन की रिंग नहीं सुनाई दी। मुझे कुछ नहीं सुनना, प्लीज जाओ। Excuse me, ये मेडिसिन बाहर से लानी होगी, हमारे फार्मेसी में नहीं है। मैं लेके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं। रुचि, रुचि, रुचि।
रुचि, रुचि अपनी आंखें खोलो रुचि प्लीज, रुचि रुचि श्वेता, मैं शाम बोल रहा हूं, रुचि का एक्सीडेंट हो गया है, तुम लोग कैजुअलिटी में आओगे? ओके को देख, मैं यहां देख लेता हूं, तू जाके उनका ख्याल रख, ये यहीं रहेगी, मैं जाता हूं। ठीक है। सर में चोट लगी है, बोला जाए तो ब्रेन डेड हो गया है, वी कुडंट सेव हर, आई एम सॉरी।
तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? थैंक गॉड। ये सुबह सुबह टॉम एंड जेरी का खेल क्या खेल रहे हो? I'm so glad that you are alive. भगवान भी हैरान हो जाएगा अगर इतना प्यार करोगे तो। पहले जाकर नहा लो। यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने बदल गए हो। रुचि, मैंने एक सपना देखा। कैसे बताऊं? There is something happening. How can I explain? तुम्हारे अंदर थोड़ी भी सीरियसनेस नहीं है क्या? आज तुम्हारे लिए लास्ट चांस है। हमेशा सपने में जीते हो। जाओ उठो और नहा लो ना। ओहो, तो कल भी शराब पी तुम लोगों ने? मैंने कल कोई ड्रिंक नहीं की। चाहो तो कालिया से पूछ लो। आज तुम्हारे लिए लास्ट चांस है। उसके बाद जो चाहे वो कर लेना। प्लीज शाम देर मत करो। जाओ जाकर नहा लो ना। सुनो, वो क्लॉक टूट तो नहीं गया ना? और क्या, टूटकर चकनाचूर हो गया। दिखाई नहीं देता? तुम्हारा नशा अभी तक नहीं उतरा ना। एक काम करो, पहले जाकर नहा लो, फिर मिलकर इसे जोड़ेंगे। Not bad. Oh, disgusting! सुनो। हाँ। तुम्हारे लिए सैंडविच बनाऊं क्या? नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। Hmm.
तुम सैंडविच बना रही हो? हाँ। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। शाम कितने प्यार से बना रही हूँ, चुपचाप खाओ ना, पहले जाकर तैयार हो जाओ। ओहो, सब कुछ बेकार हो गया। अच्छा हुआ बैंडेज तो है। अरे वाह, तुमने ये शर्ट पहन ली, कल जो टी शर्ट पहनी थी वो कहाँ है? मैं तुमसे एक बात कहूँ? कहो ना। समथिंग स्ट्रेंज, मैंने जो सपना देखा था वो कहीं सच में ना हो जाए। रुचि, आई एम सीरियस। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो तुम, सपना सपना होता है। क्या मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा? कल तुम्हारे पापा का ऑपरेशन कितने बजे है? अरे बेवकूफ कहीं के, वो ऑपरेशन नहीं है, एंजियोप्लास्टी है। एंजियोप्लास्टी क्या है पता है? अपने हार्ट के टिश्यू से बलून जैसी चीज को हटा देना। ये तुम कैसे जानोगे? तुम्हारे अंदर हार्ट ही नहीं है ना, बेवकूफ कहीं का। तुम्हारा मतलब ब्लड नहीं चाहिए? चाहिए, जरूर चाहिए। जब जरूरत होगी तो मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी और बता दूंगी। चलो अब उठो, लेट हो रहा है। हमें पहुंचने में देर हो जाएगी ना? हाँ लगता तो यही है। आराम से खेलो। हमको क्या पता आप आने वाली हो। देखो तो कैसे जवाब दे रहा है ये बच्चा। क्या बात है, तुम्हारी निगाहें किसी को ढूंढ रही हैं। उस तरफ कोई है क्या तुम्हारी? समथिंग एल्स। ए रुक जाओ। हेलो डार्लिंग। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें बढ़िया नहीं दिख रहा? नहीं, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। ये बात तुम समझ गई, अगर वो समझ जाती तो आज मुझे अकेले जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। बुढ़ा कहीं का, लगता है बूढ़े को जवानी चढ़ रही है, इसे तो देखकर ही गुस्सा आता है मुझे। ओहो, व्हाट? कौवे ने पॉटी कर दी। सी, मैंने कहा था ना ऐसा कुछ होने वाला है। क्या कौवे ने कहा था कि मेरे टॉप पर पॉटी करेगा? तुम एक काम करो, तुम्हें एग्जाम के लिए लेट हो जाएगा, मैं हॉस्टल जाकर चेंज कर लेती हूँ। सच कह रहा हूँ, मैंने सपने में देखा था। कैसा सपना? कि कौवा पॉटी करेगा? तुम्हें मजाक लग रहा है? सॉरी, पर तुम कौवे की पॉटी के बारे में सपना देखते हो, क्या बात है। क्या रुचि, मेरे सपने का मजाक उड़ा रही है। बातें करेंगे, अब तुम जाओ ना। ऑल द बेस्ट, डू वेल। सुनो, वैसे मैंने हॉल टिकट ऑलरेडी रख लिया है। अरे मैं जानती हूँ, अब जाओ ना, यू गेटिंग लेट। उसके फ्लैट की चाबी।
अरे यार बेल बजी क्या? नहीं यार अभी बजेगी। ठीक है और सुन, कल प्रोग्राम मत रखना, मुझे हॉस्पिटल जाना है, रुचि के पापा की एंजियोप्लास्टी है। हाँ वो सब हमको पता है, तू एग्जाम के बारे में सोच, नहीं तो पीने में तकलीफ होगी। ठीक है चलते हैं। चलो यार राहुल के घर जाते हैं और दो दो पैक लगाते हैं। डूड यू आर द मैन, चलो चलते हैं। हम लोग नहीं आएंगे, तुम लोग जाओ। तू एक काम कर, मिथुन को फोन लगा। चलते हैं। ओके बैठिए बैठिए। सर क्या हुआ? जाइए जाइए बैठिए। क्या हुआ? अरे अपने एग्जाम पर ध्यान दो। एक्सक्यूज मी, एग्जाम शुरू हो गई क्या? शुरू हो गए। हाय हाय। Can you please do me a favor? Yeah, sure. ये फ्लैट की चाबी शाम को दे दोगी? Yeah. Daddy कैसे हैं अभी? He's doing very well. Okay, okay. Fine. Lunch के बाद मिलती हैं. Yeah, sure. Okay. Bye. 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 हाँ दरवाजे को तोड़ दे। अरे यार जल्दी दरवाजा खोल, बहुत जोर की लगी है। यार ये बाबा का भक्त पता नहीं कब दरवाजा खोलेगा। अरे पूजा में बैठा होगा वो। अरे कौन सी तपस्या कर रहा है, अगर जल्दी से दरवाजा नहीं खोला तो यहीं पे विसर्जन कर दूंगा। जोर की लगी है तो बाहर जाके कर लेना। और वैसे भी वो दरवाजा नहीं खोलने वाला। क्या बोल रहा है यार तू? क्योंकि दोनों तुम एक ही बिरादरी के हो। मजाक करेगा, एक दूंगा तुझे खींच के। अरे हटो सामने से, बहुत जोर की लगी है। इस एरिया में ऐसी लड़की, शह मिस कर दिया। लगता है इसीलिए इसने यहाँ पर ये आश्रम बना कर रखा है। हा? अरे मैं यहाँ पर किस लिए आया था? ओ मैं तो यहाँ हल्का होने आया था। आखिर दर्शन तो दिए प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। इतनी देर से अंदर क्या कर रहा था? इंसान को बाथरूम भी जाने का हक नहीं है क्या? अब दिल को सुकून मिला यार, ऐश करेंगे। अरे वो महाराज, चार गिलास लेकर आओ। छे क्या छे, तुझे कोई तकलीफ है क्या? सुनो यारो, अभी ऑटो में मैंने एक सुंदर सी लड़की को देखा लेकिन उसका फेस नहीं देख पाया। अरे ऐसी कौन सी लड़की थी जो तू फिसल गया? देख वो मेरी इमेजिनेशन थी, उसे पीछे से देखा तो ऐसा लगा उसे मैंने पहले भी कहीं देखा है। क्या वो किसी छोटे घर की होगी? नहीं 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 नहीं, वो तो किसी बहुत बड़े घर की लग रही थी। ऐसा है, आखिर कौन हो सकती है? अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ। अरे वो पड़ोस के म्यूजिक टीचर की बेटी होगी। तब तो वो जरूर तुझे कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाने आई होगी। अरे ये पांच ग्लास किस लिए? क्या तू चुप रहेगा? अरे रे, इसने तो अपना व्रत ही तोड़ दिया। दारू पीने के बाद सुकून मिलता है। ऐसी बात है, तो फिर तुझे रात में हमारे घर आना चाहिए था ना। अपना सड़ा हुआ मुंह बंद कर, मैं दारू पीऊंगा, गांजा पीऊंगा और मौज भी करूंगा। दुनिया की सारी खुशी को हासिल करने का वरदान दिया है भगवान ने। तू तो ऐसा आदमी नहीं था। देख तू मुझे सच बता, वो लड़की जो मैंने देखी थी वो यहीं पर आई थी ना? बता भाई, बताना कौन है वो, बताना यार। उसका नाम है, उसका नाम है पानी। स्वामी जी समाधि में चले गए।
हाय पापा। हाय बेटा। मुझे एक टेंशन है बेटी, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? ऐसी बातें मत कीजिए पापा। ये एंजियोप्लास्टी सर्जरी है, घबराने की कोई बात नहीं है। ओहो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा जानकारी है। वो क्या है ना, मेरे पापा से सीखा है। बेटी, तेरी माँ के मरने के बाद फिर से शुरू हो गए। छोड़ो उसे, मेरे दामाद जी कैसे हैं? ओह, उसके बारे में क्या बताऊं? सुबह उसने कोई सपना देखा और देर से उठा, अभी एग्जाम देने गया है। ऐसा कौन सा सपना था? ओह, कोई बुरा सपना देखा कह रहा था। और उसका मानना है कि सुबह का सपना सच होता है। क्या बेवकूफी है। ज्यादा पढ़ने से उसका दिमाग खराब हो गया है। कल शाम को उसने मुझे फोन किया था, आज वो मुझसे मिलने आ रहा है। वो आएगा पापा? आपका लंच हो गया ना? वो कब का? डॉक्टर कह रहे थे कि लाइट फूड लेना है। कुछ भी कहिए, मैं बहुत खुश हूँ। एक अच्छा लड़का आपको दामाद के रूप में मिल गया है। वो तो है। शाम इज अ स्वीट हार्ट। अच्छा, मैं चाहती हूँ। ओके, आप रेस्ट कीजिए। ठीक है। ओ थैंक यू, थैंक यू। शाम, एग्जाम पेपर हार्ड था ना? अरे पेपर लिखने में दिमाग खराब हो गया। अच्छा श्याम, हम लोग निकलते हैं। हाँ ओके भाई। ओके बाय, चलता हूँ। हे, पेपर अच्छा गया ना? अच्छा, मैं कल गांव जा रही हूँ, तुम्हारा क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हो? मैंने अभी तक प्लान नहीं किया, देखते हैं। हाय स्वीटहार्ट। कहाँ हो तुम, हॉस्पिटल नहीं गई? अभी हॉस्पिटल से निकली हूँ। आज के सपने का क्या हुआ? पापा कैसे हैं? डॉक्टर ने क्या कहा? He is fine. तुम बताओ, will you pass? Yeah, I will. पापा को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कोई तकलीफ नहीं है। मैं कॉलेज जाती हूँ। See you then. Bye. Okay. Bye. Love you. झूठ मत बोल, झूठ मत देख, बोल। सच बोल रहा हूँ। वो खुद आकर बोली कि मुझे लाइक करती है। साहब झूठ है, मम्मी कसम। हे डूड्स। अरे ये आ गया। बच गया मैं, एग्जाम अच्छे से गया। वेरी गुड, चल इसी खुशी में एक और पैक पी ले। मुझे नहीं चाहिए। नहीं पिएगा? क्यों? समथिंग इज ट्रबलिंग मी। क्या हो गया यार, रुचि से झगड़ा हुआ? नहीं यार, देयर इज समथिंग सीरियस। मैंने कल एक सपना देखा था, सुबह से सोच रहा हूँ कि कहीं वो सच ना हो जाए। हाँ, तू बड़ा भाग्यशाली है यार, हर रात तेरे सपने में खूबसूरत लड़कियाँ आती हैं। ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, समीरा रेड्डी और सनी लियोनी। अरे प्लीज, मजाक मत उड़ाओ, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। छोड़ो, सपने की ऐसी की तैसी। इट्स स्कैरी डूड। ऐसा क्या सपना देखा यार? दैट्स द वर्स्ट पार्ट, पूरा मुझे याद नहीं है, लेकिन बीच बीच का कुछ तो दिमाग में रह गया है। उस दिन तूने बहुत शराब पी थी ना, इसलिए ऐसा सपना आया होगा। नहीं यार, I remember। रुचि सुबह सैंडविच बनाते वक्त, तब उसकी उंगली। आज उंगली कटी क्या? नहीं नहीं, लेकिन मेरी शर्ट, मतलब या मेरा क्लॉक पीस टूट गया। आज टूटा क्या? नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ वो एक ड्रीम है। ले थोड़ी सी पी ले। वेट वेट, तुम लोग राहुल के घर गए थे क्या? हाँ गए थे। सी, आई टोल्ड यू। ये मुझे कैसे पता है? मेरा ड्रेस लेने के लिए तुम लोग वहां गए थे ना? नहीं तो, हम लोगों ने सुबह ड्रेस दिया तो था। हाँ। अरे कालिया, तेरे और नीतू के चक्कर का क्या हुआ? चक्कर? कैसा चक्कर? ओ, मेरा सर चकरा रहा है। इसके सर में दर्द है यार, इसीलिए बोलता हूँ एक पैग ना तू अब लगा ही ले। मुझे नहीं चाहिए। तू लेगा? सारे स्टूडेंट्स कॉलेज के पोर्टिको में आ जाए प्लीज। I feel relaxed now. About what? मैंने सुबह बताया था ना सपने के बारे में। अब तक उसी बात पर अटके हो।
क्या हो गया शाम? मैंने उन लोगों को बताया नहीं। क्या नहीं बताया? हाँ कालिया, कहाँ हो तुम लोग? वो ही अपने चक्रावार में। क्या बात है? अच्छा सुन, उस कावड़ा रास्ते से मत जाना, पुलिस की चेकिंग चल रही है। ओ ऐसा क्या, तूने देखा? नहीं। फिर? अरे कहा था ना सपने में, उसमें तुम लोगों को। अरे यार तू और तेरा सपना, मैं तेरे पास ना एक लड़की भिजवाता हूँ, तो उसको कस के पकड़ के सो जाना। फोन रख पागल। तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। कैसे समझाऊं तुम लोगों को, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उस कवे की पॉटी के अलावा और कुछ ऐसा हुआ? नहीं। तो कालिया ने जो एडवाइस दिया वो ही ले लो। क्या? जैसा कालिया ने कहा, उस लड़की को कस के पकड़ लो। ए शट अप। सुनो तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ, हमें एक जगह पर जाना है। कहाँ? छोटा सा सरप्राइज है। सुनो मुझे 5 बजे हॉस्पिटल पहुँचना है। ओके ऑफ कोर्स जाएंगे, इट्स वेरी क्लोज बाय। ठीक है मैं कॉफी शॉप में आ जाऊंगी, वहां से दोनों साथ चलेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं खुद आकर पिकअप करूंगा। ओह कितना प्यार करते हो तुम। तुम्हारी उंगली को क्या हुआ? ओ वो सुबह सैंडविच बना रही थी तब कट गई। तो फिर 3 o'clock, ओके? हाँ। हे भगवान, 4,442 रुपए। का राशिफल। कन्या राशि वालों को इस सप्ताह संभल कर रहना है, गाड़ी में सफर करने वालों का एक्सीडेंट हो सकता है। कन्या राशि वाले जो भी करें वो बहुत सोच समझ कर करें। सिंह राशि वालों को इस सप्ताह प्यार मिलेगा लेकिन धन हानि होगा, चैन नहीं मिलेगा। तेल में तला हुआ खाना जहर भी हो सकता है, इसीलिए ऐसे खानों से परहेज करें। तुला राशि वाले इस सप्ताह विवाह बंधन में बन सकते हैं, उनके लिए यह सप्ताह बहुत ही लाभकारी है। मुझे एक डाउट है,
श्याम के सपने के बारे में एक डाउट है मुझे। क्या डाउट है तुझे? श्याम ने कहा था कि नीतू और मेरे बीच कुछ चक्कर चल रहा है। सुनो एक पैगाम ठीक है सर। अरे यार बस भी करो, बिल बढ़ जाएगा। ये कभी देखा है तुमने? फीस भरने के अलावा मेरे हाथ में कभी पैसे देखे? बोलो। लगता है कोई नया धंधा शुरू किया है। अरे पोपट तुझे लगता है मैं धंधा कर सकता हूँ? तो मुझसे ये पूछो कि पैसे आते कहाँ से? पूछो पूछो कहाँ से? पूछो पूछो पूछो। ये पैसे नीतू ने दिए हैं। किस लिए दिए? पूछो पूछो। क्यों दिए? बताएगा अभी। चुप रह, ये बताना यार। जब हम राहुल के घर गए थे ना, और मैं सुसु करने गया तो मैंने एक लड़के को देखा, बताया था ना मैंने? बताया था। वो नीतू थी क्या? सही पकड़ा। वो सारी बातें मैं तुम्हें ना बताऊं इसीलिए नीतू ने ये पैसे दिए हैं। यही बात है तो कंफर्म कर लेते हैं। अरे भाई बिल लेकर आना, अगर ये बात झूठी होगी तो इसका मुंह तोड़ दूंगा। मैं हमेशा सच बोलता हूँ और सत्य सुंदर है, सत्य शिवम है। क्या कह रहे? वो लोग एक ही टाइम पे कॉलेज बंक करके बाहर जाते थे ना। अरे हाँ ये तो सही कह रहा है सर। कितना हुआ? 850 रुपए। बाकी तो रख ले। थैंक यू सर। हाय। मैं तैयार हूँ। तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? घर जाकर कोई सीढ़ी तो नहीं देखी ना? छे, मैं तुम्हारी ड्रेस देख रहा था। इट्स डिफरेंट। व्हाट डिफरेंट? कुछ नहीं, आओ बैठो। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है, कहा था ना। सरप्राइज है? अरे गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद करो, चाबी निकालो और उतरो। अरे उतरो, देख कह रहा हूँ, यहाँ आओ आओ। अरे चुपचाप यहाँ आओ। सर ये लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं। हाँ सर कॉलेज में फंक्शन था, हम वहीं से लौट कर आ रहे हैं। सर यहाँ और फूको। अरे क्या कर रहा है? इधर क्यों फूंक रहा है? उधर फूंक। अरे कौन सा ब्रांड तूने पी? सेलिब्रेशन। क्या सच बता? निग्रो। वो तो खतरनाक ब्रांड है। इन सब को गाड़ी में बिठाओ और इनकी बाइक स्टेशन लेकर आओ। ओके, बची हुई बोतल कहाँ पर है? बाकी जो बचा साथ लेके चलते हैं, स्टेशन में सोडा मिलाकर पिए। क्या बोल रहा है? ये कह रहा था कि हमारे पास सोडा के लिए पैसे नहीं है। उसके लिए हम है ना? कुछ नहीं, अंदर बिठाओ। चलो 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 चलो, जीप में बैठो, ले चलो इन्हें। चलो चल रहे, चलो चुप जाओ, बैठ जाओ। यहाँ क्यों आए हो? मैं अभी आता हूँ, शायद वो यहीं रहता है। कौन? बताता हूँ बताता हूँ। ओके। कब से फोन में घुसे हो? जब देखो तो मुझ पे ना शक करती रहती हो। चलो मेरा फोन दे दो। मैं नहीं दे रही। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें फोन नहीं देता। रहन दो रहन दो। मसाला टी कॉफी। थैंक यू। अरे भाई यहाँ पर कोई गिटारिस्ट आता है ना, वो अभी तक आया नहीं। ऐसा कोई नहीं है। ओ नेवर माइंड। मिला क्या? वो यहाँ नहीं है। कौन? वही गिटारिस्ट। आज ही तुम्हें हो क्या गया है शाम? कुछ नहीं। कुछ तो है, मैं सुबह से देख रही हूँ। कुछ बातों को समझने की कोशिश करो। कैसी बातें? कुछ बातें। ठीक है, कोई एग्जांपल दो। एग्जांपल देने जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों?
लाइफ का कोई भरोसा नहीं है ना। ओ, तुम तो इमोशनल हो गए। बहुत सताया है ना, लेकिन ये सब आज क्यों कह रहे हो? I don't want to lose you ever. किसने कहा कि तुम मुझे खो दोगे? तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो क्या? मुझे सब पता है, आज खास दिन है। Will you marry me? कैसा लगा तुम्हें? Expensive. Priceless. So, tell me, will you? नहीं, I will not. लेकिन इसे मेरी उंगली में ही रहने दो। Excuse me. You? Again? Again? मैं आपको जानता हूं। कैसे? मैंने आपको सपने में देखा था। नहीं हो सकता, मैं कल यहीं पे था। मैं नहीं मानता, आप सब कुछ जानते हो। प्लीज प्लीज हेल्प मी। कैसी हेल्प? मेरे सपने के बारे में प्लीज मुझे बताइए, और उसका अंत क्या है? आई वॉन्ट टू चेंज दैट, प्लीज हेल्प मी। मुझे उसे बदलना है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? सपने में वो मर जाएगी, मुझे पता है, आई एम श्योर। अगर ऐसा होना ही है तो होकर ही रहेगा। नहीं, मुझे उसे बदलना है। वॉट कैन आई डू? मेरी जान लेना चाहते हो? मैं दे दूंगा। एक्चुअली तुम जो कह रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बताता हूँ। तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ के करना क्या है ये सोचना शुरू कर दो। मैं कुछ समझा नहीं। मेक हर हैप्पी, उसे खुशियों से भर दो, इन शॉर्ट रोमांस से। कौन? श्याम, यू डोंट हैव मच टाइम। हेलो पापा। हाँ हेलो। दामाद को देखने की ख्वाहिश पूरी हो गई आपकी? कैसा रहा बेटे एग्जाम? पास हो जाऊंगा पापा। वेरी गुड। हाउ आर यू पापा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल डैडी ने फोन किया था। हाँ? यहाँ आने के लिए पूछ रहे थे। तो तुमने क्या कहा? मैंने मना कर दिया।
हम लोग तो है ना यहाँ पर। अच्छा किया तुमने, बेवजह का खर्चा क्यों करना, और वैसे भी यहाँ पर गेस्ट को ठहरने का अलाउ नहीं है। May I come in? Yes, come in. Hello, sir. Excuse me, ये मेडिसिन आपको बाहर से लानी होगी, हमारी फार्मेसी में नहीं है। मैं लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं। यही शाम है क्या? काफी स्मार्ट लड़का है। अच्छा, ये मेडिसिन बाहर से लानी होगी, हमारी फार्मेसी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। ओके। पापा, मैं जाकर। तुम यहीं रुको, मैं जाकर ले आता हूँ। अरे पापा, मुझे लगता है इसे कुछ हो गया है। क्या हुआ बेटे? नहीं कुछ नहीं पापा, मैं जाके ले आता हूँ। ओ ठीक है, जाओ। तुम यहीं रुकना, बाहर मत जाना। ठीक है सर। पापा, आज इसे हो क्या गया है? हाँ, पता नहीं। He's serious. ये देखिए। Very expensive. He's so loving today. वो हमेशा ऐसा ही है बेटा। लेकिन आज तो बहुत ओवर एटीट्यूड दिखाया। पापा, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। किस लिए? मुझे गिफ्ट खरीदना है। ओके। स्कूटी भी हॉस्टल में है, उसे भी लेकर आती हूँ। ओके। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके ओके ओके। क्या हुआ बेटे? चाबी लेना भूल गया। ओह, रुचि कहाँ है पापा? वो अभी तो बाहर गई है, तुमने देखा नहीं? कहाँ गई वो? कह रही थी स्कूटी लाने के लिए हॉस्टल जाना है। ओह गॉड, क्या बात है बेटे? पापा कैसे गई वो? कह रही थी ऑटो से जाएगी। क्या हुआ? पापा मैं अभी आता हूँ। अरे लड़कियां घर से बोलकर नहीं निकलती क्या? अपने घर का नंबर दो, फोन करके बताती हूँ। ऐसे ही अगर चलता रहा ना तो ज्यादा दिन नहीं बचेगी। भैया पाले हिल चलोगे? 100 रुपए लगेगा। हाँ है ना, हॉस्पिटल के सामने खड़े हो ना, इसलिए डिमांड कर रहे हो। जल्दी बैठो लड़की, मेरे पास टाइम कम है। मेरे पास बहुत टाइम है। आपके इसके रिलेटिव्स हैं? नहीं डॉक्टर, ये मोबाइल उस लड़के का है। लास्ट डायल चेक करके उन्हें यहाँ पर बुला लीजिए। ओके डॉक्टर। हाय। हम हॉस्पिटल से फोन कर रहे हैं, जिसका ये फोन है उसका एक्सीडेंट हो गया है, सीरियस है वो। व्हाट? मैं भी आती हूँ। भाई साहब हॉस्पिटल वापस ले लीजिए। अभी का नाम रुचि है? कैसा है वो? काफी सीरियस है, अंदर है। हम लोग अब चलते हैं। बेटा हेड इंजुरी थी, वी कुडंट सेव हिम, आई एम सॉरी। Oh, my God.
श्याम, 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 इन्हें मॉर्चरी ले जाना है। Ha ha ha!